नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ब्रिटेन में सांसद की हत्या, जनमत संग्रह रुका। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की महिला सांसद जोए कॉक्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश के यूरोपीय संघ में बने रहने को लेकर चल रहे जनमत संग्रह पर अनिश्चितकालीन विराम लग गया। सूत्रों के अनुसार लेबर पार्टी की 41 वर्षीय सांसद जोए कॉक्स की उत्तरी इंग्लैंड में हत्या कर दी गई। उन पर उस समय हमला हुआ जब वे अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस घटना पर शोक जताते हुए यूरोपीय संघ की सदस्यता में बने रहने के लिए कर रहे अपने प्रचार अभियान को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक शानदार राजनीतिक सितारे को गवा दिया। उनका दिल काफी बड़ा था और दया की भावना भरी हुई थी। यह घटना निंदनीय है। दिग्विजय सिंह का ऐलान, मोदी से चाय खरीदने वाले को 2 लाख का इनाम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाय खरीदी हो या उनके साथ पढ़ाई की हो, अगर सामने आए तो वह उसे 2 लाख रुपए का इनाम देंगे। चाय की चर्चा नाम से पार्टी द्वारा आयोजित किसानों की विरोध रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा करे कि वह स्नातक स्तर पर मोदी के साथ पढ़ा है तो वह उसे इनाम देंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी ने एक बार खुद स्वीकार किया था कि वह मैट्रिक पास है, लेकिन अब वह स्नातक होने का दावा कर रहे हैं। नामीबिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का भरोसा दिलाया। संसाधन समृद्ध नामीबिया ने भरोसा दिलाया कि वह उन वैधानिक तरीकों पर विचार करेगा जिनके जरिए भारत को परमाणु के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम की आपूर्ति की जा सकती है। नामीबिया के राष्ट्रपति हैग गिनबोग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में कहा कि नामीबिया परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करता है। उन्होंने कहा कि हम उन वैधानिक तरीकों पर विचार करेंगे जिनके माध्यम से भारत हमारे यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। गिनबोग ने कहा कि उनके देश के पास संसाधन है, लेकिन वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है।